नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपलीफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे संबंधित कुछ फॉर्मूलाज और नियम को अपन पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। फोर्थ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हुआ ए माइनस बी। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बीच में तो प्लस ए बी आएगा, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। या फिर अपन इसको अंदर गुणा करके बी भी लिख सकते हैं, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से अपन इसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस। इसमें भी अपन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अधिक आती है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर अपना ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो, मतलब ऐसी संख्याएं दी हो अगर तीनों को ऐड करें उनका ऐड क्या है जीरो आए, तो अपन क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी। मतलब उन संख्याओं का गुणा करके उनका तिगुना करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। जो इसका मान अगर अपन ने जीरो रखा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो। थ्री ए बी सी को सही लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी। इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो अपन को मिल जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी अपन को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं इसमें कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं। सरलीकरण में सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, बोल मास का नियम। पूरे क्वेश्चन किस नियम पर आधारित होंगे, अपने बोल मास, बोल मास के अकॉर्डिंग अपन संख्याओं को सॉल्व करेंगे। कौन सा नियम, बोल मास। ठीक है, बोल मास में बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट मतलब पोस्टर, हिंदी में पोस्टर। ठीक है, ब्रैकेट कितने होते हैं अपने, चार। एक बार रहेगा किसी तरीके कोई संख्या दी पांच माइनस सात, तो इन दोनों पर बार रहेगा। सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट जो लाइन है उसको अपन बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, मीडियम और एक बड़ा ब्रैकेट। इनको इसी क्रम में अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर एक कोई क्वेश्चन में अपना बार ब्रैकेट दिया, छोटा ब्रैकेट दिया, मझला और बड़ा, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर बड़े मझले को और फिर सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओ। ओ मतलब ऑफ, ऑफ को हिंदी में का, मतलब का मतलब होता है गुणा, लेकिन अगर ये गुणा से पहले ऑफ दिया है तो अपन पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी मतलब डिवीजन भाग। ठीक है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा। देखो भाग ऑफ और गुणा दोनों एक ही, दोनों का साथ में ऐड करके इसको सॉल्व करना अपन को ऑफ को, उसके बाद गुणा को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ई मतलब एडिशन जोड़, गुणा के बाद अपन जोड़ को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे जोड़ गए तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, इनको इसी क्रम में अपन सॉल्व करके सभी दिएगा। जैसे अपन ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं दिया है, डायरेक्ट डिवीजन दिया है, तो अपन ब्रैकेट के बाद डिवीजन सॉल्व, अगर दिया है तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, अगर नहीं दिया है तो इसी सीरियल में अपन को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना बोल मास का नियम। अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपना 25 × 24, ठीक है, प्लस 28 × 10 माइनस 15 डिवीजन 15। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना, इसको अपन को सरल करना, मतलब सरलीकरण सिंपलीफाई करना है, एक नंबर में चेंज करना। नियम अपना क्या है, बोल मास। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज करेंगे अपन, ब्रैकेट। क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है नहीं है तो छोड़ देंगे। वो मतलब का, ऑफ, ऑफ भी अपन को कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब का भी शब्द का यूज कहीं पे नहीं हुआ तो उसको छोड़। उसके बाद क्या है अपना, डिवीजन।
डिवीजन कहीं पे, हाँ पहले सबसे पहले अपन इसको डिवीजन को सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 डिवीजन है इसका, 15 का 75 भाग में कितने का जाएगा, 3 बार। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डिवीजन को अगर अपन मल्टीप्ले मतलब गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है डिवीजन के जस्ट बाद वाली। जैसे यहाँ पे दिया है अपन को 45 डिवीजन 15, तो अपन को यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको मैं गुणा कर देंगे भाग को और 15 क्या लिख देंगे, 1/15, ठीक है, 15 3 45। यहाँ पे अपन डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है अपना 3। अब इसमें गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या डिवीजन के बाद क्या है, गुणा ही है मल्टीप्लिकेशन, तो करते हैं 24 × 25 करेंगे, 24 × 5 120 हासिल 12, 24 × 48 और 12 कितने हो जाएंगे 60। यहाँ आ गया अपना 600, 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 280 -3 मल्टीप्लिक। अब इसके बाद क्या आता है अपना जोड़, जोड़ करेंगे 600 और 280 कितने हो जाएंगे 880 -3, इसके बाद अपना माइनस तो अपन माइनस कर देंगे, 3 माइनस करेंगे कितना होगा 7, यहाँ पे 7 और 8, ठीक है, इस प्रकार अपन को अपना आंसर मिल जाएगा 877। बोल्ड मार्क नियम का अगर यूज करना है, प्रैक्टिस करते करते आपको इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई वहां पे डिवीजन किया वही तुम मल्टीप्लाई करके जोड़ के घटा दे, डायरेक्ट अपन को आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 7 डिवीजन बराबर है 15/43 × 9 प्लस 21 डिवीजन 7 छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद, ठीक है, इसमें भी क्या लगाना है बोर्ड मार दिए, बोर्ड मार सबसे पहले क्या आएगा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट कहाँ देख रहे अपन, दो ब्रैकेट देख रहे, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, इसमें सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, अगर बार होता तो बार को, बार ब्रैकेट है नहीं तो छोटे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा पहले, पूरा क्वेश्चन सेम 21 × 7 उतनी बार जाएगा 3, छोटा ब्रैकेट हट जाएगा अपना, ठीक है, छोटे ब्रैकेट के अंदर अपना डिवीजन है तो उसको अपन सॉल्व कर दिया, अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर भी अपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन होते तो उसको भी अपन बोल मास क्रम में सॉल्व कर दे, ठीक है, अपन को ब्रैकेट सॉल्व हो गया छोटा वाला। अब क्या करेंगे अपन लोग, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट में क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे डिवीजन, क्या बताया था अभी, इसको चेंज करते हैं अगर गुणा में तो संख्या क्या पलट जाती है, ठीक है, संख्या भी पलट जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 15 3 45 3 × 9 भी कट जाएगा 3 × 9, ठीक है, 3 × 7 डिवीजन बराबर है क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3 + 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट है बड़े बड़े ब्रैकेट को अपन पहले सॉल्व कर देंगे, बड़े ब्रैकेट क्या है अपना प्लस, तो अपन प्लस को सॉल्व कर देंगे 3 × 7, इसके अंदर अलग से बोर्ड मास नियम लग रहा है, ये अपना अलग है, ठीक है, डिवीजन 6, ठीक है। अब क्या करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को, चेंज करेंगे 1/6 3 × 6 क्या बचा 7/2 अपना आंसर हो गया, ठीक है, क्या किया अपन ने पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया उसके अंदर बोर्ड मास नियम का नियम फॉलो किया, तो क्या है पहले भाग अकेला ही उसमें तो अपन ने भाग दे दिया, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर अपन ने बोर्ड मास नियम लगाया, पहले भाग को सॉल्व किया फिर गुणा को सॉल्व किया और फिर प्लस को सॉल्व किया, ठीक है, अपना बड़ा ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर इसमें फिर से अपन ने बोर्ड मास नियम लगाया, पहले भाग को सॉल्व करेंगे 6 को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/6 3 × 6 क्या बचा 7/7 अपना आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सही 2/3 × 3 सही 1/6 + 2 सही 1/3। अगर क्वेश्चन अपन को भिन्न के रूप में दिया है तो अपन उसे कैसे करेंगे, चाहे किसी रूप में दिया अपन को फॉलो क्या करना है, बोर्ड मार्क नियम ही हमेशा फॉलो करना है, क्या है 3 × 5 = 15 पहले इसको सही रूप में बदल लेंगे, 3 × 5 = 15 × 2 = 17 17/3 सही फॉर्म में आ गया आंसर, हर के फॉर्म में, ठीक है, 6 × 3 = 18 19 19/6 ठीक है दोस्तों। अब क्या है प्लस,
तीन दून छह एक सात बटे तीन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते क्या लगेगा, इसमें बोल मार नियम के अकॉर्डिंग पहले क्या आता अपना, पहले गुणा का आएगा, पहले गुणा करेंगे पर इसका गुणा करते हैं, सत्रह गुणा उन्नीस करते कितना आएगा, सत्रह गुणा कितना होता एक सौ तिरपन की तीन हासिल पंद्रह, सत्रह एक सत्रह और पंद्रह कितने हो जाएंगे बत्तीस, तीन सौ तेईस बटे छिया अठारह, ठीक है, प्लस सात बटे तीन। अब क्या है यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अठारह एलसीएम आएगा, ठीक है, तीन सौ तेईस अठारह का अठारह इसमें गुणा होगा तीन सौ तेईस पीछे अठारह छह का इसमें गुणा होगा छह सात बयालीस, इसको एड करते हैं क्या होगा, तीन दो पांच चार दो छह और तीन बटे अठारह, अगर ये कैंसिल होता है तो अपना इसको कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो अपना यही आंसर हो जाएगा, सही बात चेंज कर लेंगे, इसको कितना होगा अठारह दूनी छत्तीस, ठीक है, पांच में भाग नहीं जाएगा कोई बात जीरो पांच बटे अठारह, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया इसमें अपने बोल मार क्वेश्चन किसी फॉर्म में दिया हो दशमलव के फॉर्म में या बिंदु के फॉर्म में या नॉर्मल तो अपन को लगाना बोल मार से, पहले अपन ने गुणा के तो गुणा सॉल्व किया फिर प्लस को सॉल्व किया, पहले बिंदु को अपन ने सही बटे में चेंज कर लिया मतलब सही फॉर्म में चेंज कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन बटे चार ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन थ्री, ठीक है, वन प्लस टू अपॉन थ्री नेक्स्ट ब्रैकेट में वन माइनस टू अपॉन फाइव वन प्लस सिक्स अपॉन सेवन और वन माइनस बारह बटे तेरह, ठीक है दोस्तों। अलग अलग ब्रैकेट में अपन को संख्याएं दी हैं, इनको अपन को सॉल्व करना भिन्न जरूरी है, तीन बटे चार सही ब्रैकेट में अपन अलग अलग क्या करेंगे बोर्ड मास नियम को लगाएंगे, क्या है पहले ब्रैकेट में लगाया क्या है इसमें सिर्फ प्लस है डायरेक्ट प्लस ही सॉल्व हो जाएगा, तीन एकम तीन और एक चार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चार बटे तीन, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता पर वहां पे क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं, तीन एकम तीन और दो पांच सही सॉल्व क्या होता है पांच बटे तीन, ठीक है दोस्तों। अब क्या है पांच एकम पांच माइनस दो तो तीन बटे पांच, ठीक है, सात एकम सात और छह तेरह तो तेरह बटे सात, इसमें क्या हो जाए तेरह एकम तेरह माइनस बारह तो एक बटे तेरह, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है मगर बीच में कोई चिन्ह कौन से चिन्ह मानते हैं मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई लगा देंगे और ब्रैकेट चाह देंगे, क्या कैंसिल हो चार से चार कैंसिल हो जाएगा पांच से पांच कैंसिल हो रहा तेरह से तेरह कैंसिल हो यहाँ पे तीन से तीन कैंसिल यहाँ पे भी तीन से तीन कैंसिल हो रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या बचा अपना ऊपर एक नीचे सात, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना एक बटे सात। सबसे पहले अपन ने ब्रैकेट सॉल्व किए, ब्रैकेट में बोल मार लगाया सिर्फ प्लस है तो अपन ने प्लस का यूज कर दिया, फोर अपॉइंट थ्री फाइव अपॉइंट थ्री थ्री अपॉइंट फाइव सत्रह बटे तेरह बटे सात और एक बटे तेरह अपने सॉल्व करने पे आ गया। कोई भी चिन्ह नहीं है तो किसका यूज करते अपन लोग मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा का, गुणा का लगाया तो क्या चार से चार अपना कैंसिल हो गया पांच से पांच और तेरह से तेरह यहाँ पर तीन से तीन और यहाँ पर भी तीन से तीन, ऊपर क्या बचा अपना से वन और नीचे कितना बचा अपना सेवन, तो क्या आंसर आया अपना वन अपॉन सेवन अपन को आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है अपना 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन 0.07, ठीक है। अभी तक अपन नॉर्मल तरीके संख्या को सॉल्व करें कर रहे थे, अपन को दी दशमलव में संख्या, अपन कोशिश करेंगे यहां से कोई भी एक फॉर्मूला अपन बना सके इसमें, ठीक है, क्या दिया अपन 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन 0.07 अपन ने देखा बिना दशमलव के पहले अपन मान ली दशमलव है नहीं संख्या में, क्या देख रहा अपन को 324 324 किसका वर्ग होता है 18 का, 121 किसका होता है 11 का, इतना अपन को पता चल गया। अपन ने फिर क्या किया जब भी चार अंक दशमलव में कितने लेते अपन लोग दो अंक, मतलब जब वर्ग करते तो उसका क्या लेते दो अंक लेते, तो वर्ग करेंगे तो वापस अपने चार जैसे अपन को दिया .18, अगर अपन इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 का वर्ग तो 324, ठीक है,
18 बटा 15 324 आएगा, और दशमलव कितने अंक बाद आएगा, स्क्वायर है तो 4 अंक बाद, 3 और ये 0 बनाएगी 4। तो मतलब अगर जब ऐसे में दिया और वो वर्ग में लिखे तो कितने अंक ले लेंगे, 2 अंक। जब वर्ग से उसमें आ गए संख्या में तो कितने दुगने हो रहे, संख्या से वर्ग में जाए तो क्या दशमलव को अपन आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है 18 का इसको क्या ले देंगे 0.1 एक का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं कि 324 18 का और 4 अंक है तो 2 अंक बाद अपन दशमलव लगा देंगे। ऐसे जी क्या 21 का वर्ग है, 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगाएंगे तो जी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है 0.07, ठीक है। जी बनेंगे अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपना ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसके बराबर अपन क्या देख सकते हैं, अपन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 0.18 प्लस 0.11, और सेकंड रहेगा 0.18 माइनस 0.11 अपॉन क्या है 0.07, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 8 9, 1 और 1 2, 0.29, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.07, 8 में 1 माइनस होगा 7, 1 में 1 माइनस तो 0, अपॉन में क्या है अपना 0.07, ठीक है। जब भी अपन फॉर्मूले बनाते हैं तो कोई ना कोई संख्या इसीलिए अपन फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। 0.29 अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अपन इसको डायरेक्ट कर इसको माइनस करेंगे और 0.7 का वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े क्वेश्चन रहते हैं उनमें इजी पड़ता है फॉर्मूले बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6.76 माइनस 2.25 अपॉन में 1.1। अब इसको सॉल्व कर दे, इसमें भी क्या है अपन कोई भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या बने बीच माइनस, इसको स्क्वायर बनाओ या क्यूब में बना सकते, देखते हैं स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। 6.76 किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। 6.76 स्क्वायर होता है अपना 26 का, 2.6 कैसे लेगा, 26 का होता है इसका, अपन को पता है 676 किसका होता है, 26 का स्क्वायर। अब इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक, तो अपन स्क्वायर कितने अंक बाद लेंगे 1 अंक, जस्ट आधा कर देते हैं। 225 किसका होता 15 का, अब 2 अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे 1 अंक लेंगे, ठीक है। अपॉन में 1.1 टू पॉइंट यहाँ पे लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 2.6, बी का मान 1.5, यहाँ पे 2.6 माइनस 1.5 अपॉन में क्या है 1.1। 2.6 और 1.5 को अपन ऐड कर देंगे, 5 और 6 11 की 1 हाँ से 1 1 और 1 2 और 2 4 4.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 में से 5 माइनस 1 2 में से 1 माइनस 1.1, यहाँ पे इतना क्या कर गया 1.1 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपना 4.1, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन में क्या है 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3, ठीक है। अपन को इसमें दिया एक ही संख्या 3 बार गुणा हो रही माइनस लगा, बट दूसरी संख्या 3 बार मल्टीप्लाई हो रही, और नीचे क्या दिया 1.8 का स्क्वायर इंटू 1.3 का स्क्वायर, बीच में क्या है दोनों का एक, मतलब अगर इसको अपन ए मान ले इसको बी मान ले तो ये क्या हो जाएगा या ए ए ए और बी और ये बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा 3 बार है तो ए क्यू बन जाएगा, और यहाँ जे 3 बार है तो जे बी क्यू बन जाएगा, क्या बनेंगे ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे क्या बनेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपना बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अपन का ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला फॉर्मूला। इसके बराबर क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अपन को नीचे क्या दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, ऊपर क्या है अपना ए क्यू माइनस बी क्यू, तो अपन को ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाए। देखते हैं कैसे, पहले तरीके से देखते हैं क्या ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है 1.8 माइनस 1.3 ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 1.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1.3 का स्क्वायर प्लस ए बी 1.8 इंटू 1.3, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या दिया अपन को पहले से 1.8 इंटू 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3
प्लस 1.3 का स्क्वायर अपन को पहले से दिया है। देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम मिल रहे हैं तो जो क्या हो जाएगी अपने डायरेक्ट कैंसिल, बचेगा क्या 1.8 माइनस 1.8 माइनस 1.3, इसको माइनस करने कितना बचेगा 0.5 अपन को मिल जाएगा। देखिए कैसे, अगर ऊपर अपन को माइनस दिया और बीच में अपन चेक करते हैं ए बी के पास अगर प्लस है तो अपन डायरेक्ट दोनों संख्याओं को माइनस करें तो अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो अपन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, इतनी पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0.512 प्लस 0.729, ठीक है अपॉन में 0.64 प्लस माइनस 0.72 प्लस 0.81, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको कर देखते अपन को अभी डायरेक्ट दिया था 1.8 × 1.8 × 1.8 तीन बार दिया था, ठीक है, और करना क्या था अपन को उसमें अपन ने फॉर्मूला रखने की कोशिश की, मतलब फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। यहाँ पे अपन को डायरेक्ट नहीं दिया तो अपन को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर फॉर्मूला बन रहा है तो अपन रखेंगे, नहीं बन रहा तो अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते फॉर्मूला बनता है कि नहीं। अपन ने देखा 0.5/2 दिया, पॉइंट भूल जाएंगे अपन, क्या है 512 है, 512 किसका क्यू होता है किसका स्क्वायर होता है, हमने चेक किया स्क्वायर नहीं होता किसी का, फिर हमने चेक किया क्यू होता है, किसका क्यू होता है 8 का, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो दशमलव क्या कर देते हैं आधा दूरी पर, मतलब चार पे है तो दो पे लाते हैं, लेकिन जब अपन क्यू कर रहे हैं तो क्या करेंगे 1/3 दूरी पर, 3 अंक है तो 1 अंक लेंगे, 6 अंक है तो 2 अंक लेंगे, 9 है तो 3 अंक लेंगे, ठीक है। क्यू में मतलब 3 अंक का अंतर रखेंगे और स्क्वायर में 2 का, कितना हो गया 8 का 512 और दशमलव का 1 अंक बाद 0.8 का क्यू हो जाएगा, बीच में प्लस है तो बंदे प्लस लगा दिया। 729 किसका होता अपन को पता है 9 का, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ क्यू हो गया। अब 64 क्या क्या लिख सकते हैं अपन 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, 0.81 क्या लिख सकते हैं 0.9 का स्क्वायर, 72 को क्या लिख सकते हैं अपन इसके टर्म में लिख सकते हैं क्या 9/12 अपन ने चेक किया होता है तो अपन इसको क्या लिख देंगे 0.72 को 0.8 × 0.9, ठीक है 0.8 × 0.9 अपन इसको लिख सकते हैं 9/72 दो अंक बाद दशमलव एक अंक यहाँ लगा दिए एक अंक यहाँ लगा दिए तो अपन का बन गया क्या बन गया यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी ने बताया था अगर ऊपर प्लस है और नीचे बीच में माइनस आया तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं को डायरेक्ट अपन ऐड कर देंगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं तो भी अपना क्या इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी अपना पहले क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जी अपना डायरेक्ट कट ही जाना है, इसलिए अपन डायरेक्ट क्या करते हैं अगर अपन ऊपर प्लस है और नीचे ए बी के पास माइनस है तो अपन डायरेक्ट क्या सॉल्व करते हैं ए प्लस बी कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0.8 और 0.9 जोड़ने क्या हो जाएगा 1.7 अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन लगाने का ट्राई करें, अगर नहीं आते हैं तो अपन कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018 अपॉन, ठीक है, 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.0 टू, ठीक है माइनस नहीं 1.26 ठीक 0.06
माइनस 0.03 माइनस 0.02। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है मुझे। 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 माइनस 0.018। ठीक है, नीचे लिखा है 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। ये अपन को क्वेश्चन दिया है, इसको अपन को सॉल्व करें। इसमें देखते हैं ए बी प्लस बी क्यू बराबर बनेगा नहीं बनेगा। अपन इसमें से कोई एक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कौन सा बनता है। अपन ने देखा आज काय का क्यू होता दो का स्क्वायर तो होता नहीं है, क्यू होता तो अपन ने क्या लेगा इसको दो। अब तीन अंक दूसरा कितने अंक वाला आएगा एक, क्योंकि अपन इसको क्या बना रहे क्यू बना रहे। इसको 0.3 27 तीन का होता है और एक अंक वाला दशमलव। ठीक है, बन किसका होता है बन का, तो इसको क्या देख सकते हैं 0.1 का क्यू माइनस। अब इसको देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अपन ने देखा 0.018। ठीक है, अपन को पता ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐसे ही अपने पास अपन ने देखा फॉर्मूला होता है उसमें होता है माइनस 3abc। अगर अपन को फॉर्मूला अपन को पता चला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो है, आगे एक संख्या होती जो माइनस में है, तो अपन देख इसको माइनस 3abc अगर ये बन जाए तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं 3abc बनती है कि नहीं। क्या करेंगे एबीसी का पहले गुणा करें, दो तीन छह एकम छह हो रहा है अपने पास, मतलब 0.006 हो रहा है अपने पास। कितने की कमी है अपन 18 पर पहुंचना है, कितने की कमी है तीन की, तो तीन का अपन इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख सकते 0.2 × 0.3 × 0.1 कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। तीन का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.018 हो जाएगा अपना, तो अपना फॉर्मूला जाहिर बन गया। अपन ने चेक किया इसमें गुणा आ रहा 0.06, अपन ने चेक किया अगर तीन का गुणा करने की संख्या आती तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 3abc होता है, abc अपने पास 0.06 है, तीन का अपन ने गुणा किया तो अपन को वही संख्या मिल गई, मतलब अपना फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया आपने 0.04 किसका होगा दो का स्क्वायर एक अंक बाद दशमलव, 0.03 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। 0.06 को क्या लिख सकते हैं दो तीन छह, मतलब 0.2 × 0.3 इसको क्या लिख सकते 0.3 × 0.1 इसको क्या लिख सकते 0.2 × 0.1 क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो अपन क्या बन गया जी फॉर्मूला बन गया देगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मतलब जो ऊपर वाला है ये वाला संख्या अपनी पूरी नीचे दी है, ऊपर से जो क्या हो जाएगी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सब क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो फिर डायरेक्ट जोड़ दे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 जोड़िए इनको कितना आएगा 0.1 3 4 2 6 0.6 अपना आंसर। कैसे किया अपना ऊपर फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके बराबर पता अपन को होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर अपन ने देखा नीचे अपना बन रहा है पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन रहा है, तो ऊपर नीचे डायरेक्ट कैंसिल होगा क्या बचेगा अपने पास ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी बचता है दिखता है। ठीक है, अगर ऊपर अपना फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, तो अपन का सीधा जाकर बचता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 640 × 150% माइनस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 120% प्लस 160। अपन को परसेंटेज के रूप में दिया, मतलब अपन को समीकरण कैसे थी उसमें परसेंटेज का यूज गुणा भाग सबका अपन को यूज दिया गया है। ठीक है, तो अपन को इसमें भी बोर्ड मार्क नियम ही फॉलो करना है। बोर्ड मार्क नियम क्या था अपना ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिविजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन लिख लेते हैं साइड में। सबसे पहले क्या करना है अपन को इस साइड में बोर्ड मार्क लगा देंगे, इस साइड में बोर्ड मार्क लगा देंगे। सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, फिर क्या होता है ऑफ
स्ट्राइड अपन को ऑफ दिया है, अपन पहले स्ट्राइड को ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन तो डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और फिर देखते हैं यहाँ से करते 640 इंटू जहाँ परसेंटेज परसेंटेज है क्या करेंगे अपोन में 100 माइनस 40 बराबर क्वेश्चन आ गया। मान लिया एक्स है कोई संख्या, वो अपन को फाइंड करनी है का मतलब इंटू 120 है, 120 तो परसेंटेज के लिए 100 ठीक है प्लस 160। अब क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होंगे, एडिशन डिवीजन है नहीं तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 15 24 60 हासिल 6 15 96 90 और 6 96 960 माइनस 40 बराबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं 0 2 6 12 2 5 10 क्या बचा 6x/5 प्लस 160। अब बारी किसकी है एडिशन और सब्ट्रैक्ट, इस साइड क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस साइड एडिशन तो एडिशन करेंगे कितना बचेगा 920 बराबर 6x/5 प्लस 160। एक साइड को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 6x/5 बराबर हो जाएगा 920 माइनस 160 6x/5 माइनस करेंगे 0 में 0 गया 0 12 में 6 जाएंगे 6 और 8 में 1 जाएगा 7 ठीक है सॉल्व इसको कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते नहीं तो 2 से काटेंगे 2 3 6 2 3 6 2 8 16 0 5 का अब 3 से कैंसिल में होगा नहीं तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए एक्स बराबर 5 का 0 में 0 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 3 15 4 19/300 ठीक है 3 का इसमें भाग देते हैं कितना जाएगा 3 6 18 1 बचा 3 3 9 फिर 1 बचा 3 3 9 एक बचेगा तो सही बचेगा अपना आंसर आ जाएगा। कैसे किया एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले परसेंटेज उसके लिए 100 100 फिर अपन ने बोलवा दिए दोनों साइड फॉलो कर दिया, पहले मल्टीप्लाई किया तो 960 आया माइनस 40 यहाँ भी किया तो 6x/5 प्लस 160 इस साइड सब्ट्रैक्ट किया तो 920 अब 160 इस साइड है इनको इस साइड लाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के 920 माइनस 160 सॉल्व किया तो कितना आया अपना 760 ठीक है इसको कैंसिल किया तो क्या बचा 1900/3 3 का इसमें भाग दे क्या बचेगा 633 सही 1/3 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों आज के चैप्टर को आज अपन यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपके कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें।